हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल सूप। चलिए देखते हैं किस तरह बनाते हैं। इसके लिए पहले एक कुकर में 4 से 5 कप पानी लेकर 1 कप तूर दाल डालना है। साथ में 1 मीडियम साइज प्याज, 1 मीडियम साइज टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। इन सब को मिला के कुकर में अच्छे से पकाना है। दाल तो गल चुकी है, और अगर आपको बहुत पतली सी चाहिए तो फिर थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लाना है। अगर इतनी गाढ़ी चाहिए तो फिर उसी तरह छोड़ना है और इसको अच्छे से घोटना है। घोटने पर सब मिलकर आ जाते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता। जैसे कि प्याज है, टमाटर है, सब मिलकर आ जाते हैं। अब भगार के लिए 1 टेबलस्पून घी में 2 लाल मिर्च तोड़कर डालना है। मिर्ची अच्छे से भूनने पर, फ्राई होने के बाद उसको अलग से निकाल के रखना है। और इस घी को दाल पर डालना है, दाल के ऊपर डालना है। और जो फ्राई की हुई जो मिर्ची है ना, उसको अच्छे से चूरा कर दाल के ऊपर डालना है। लाल मिर्ची को घी में फ्राई कर डालने से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, एक अलग सी टेस्ट आ जाती है। अब दाल सूप रेडी हो गया, गर्मा गर्म दाल सूप।